गा के सुनाना थोड़ा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाह बहुत अच्छा, देखिए इसी तरह बहुत अच्छा गाना गाया। और गाना है ये थोड़ा तो। कितनी परीक्षा लिख दी है मैया तूने भाग में मेरे। कितनी परीक्षा लिख दी है मैया तूने भाग में मेरे। अफसोस है क्या डूब रहा है नैया सामने तेरे। अफसोस है क्या डूब रहा है नैया सामने तेरे। हंसने लगा है संसार हो, हंसने लगा है संसार। कर रहे हैं आप? यस। कौन क्लास में पढ़ती है? अभी 8 क्लास में पढ़ रहे हैं। 8 क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या करना है, पढ़ाई को जारी रखना है, आगे क्या बनना है, गायक बनना है कि कुछ और जाना है, कहीं और फील्ड में जाना है? पढ़ाई भी करेंगे, गाना भी गाएंगे। जैसे आपका हॉबी होता है ना, सबका सोच होता है कि हमें सिंगर बनना है, हमें एक्टर बनना है, हमें कोई खिलाड़ी बनना है, लेकिन आपका क्या है, सिंगिंग करना है या फिर पढ़ाई के लाइन में कुछ आगे जाना है? दोनों करेंगे। मतलब अभी फिलहाल दोनों कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के क्या सिंगिंग करना है? हाँ। सिंगिंग करना है। अच्छा आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, पिताजी क्या करते हैं आपका? पिताजी बाहर में रहते हैं, कमाते हैं। कहाँ? कहाँ वो तो। अच्छा बाहर जाके मजदूरी करते हैं बाहर जाके। अच्छा आपके फैमिली में कितने आदमी हैं? मेरी फैमिली में 4 आदमी है, मेरे पापा, बड़े पापा और मंझले पापा और संझले पापा। अच्छा आपके फैमिली में मम्मी पापा, आप कितने भाई बहन हो? हम 3 बहन है, 1 भाई है। अच्छा तो वो सब भी गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं कि सब कुछ और नथी में? नहीं नहीं अभी बड़ी बहन का शादी हो गया है और छोटी बहन पढ़ रही है, मेरा भाई ऐसे ही मतलब जाता है पढ़ने। अच्छा सिर्फ सिंगिंग लाइन में आप सिर्फ हो? हाँ। और आगे जाके सिंगिंग लाइन से अपने परिवार का नाम ऊंचा करना चाहते हो? हाँ। है ना। हाँ। तो अच्छा आप फैमिली सपोर्ट मिलता है आपको, मम्मी पापा दीदी जो है सपोर्ट करते हैं? हाँ सब लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं कि झूठ बोल रहे दबाव के कारण? नहीं नहीं सब लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। हाँ। अच्छा जी। अच्छा आप डांसिंग भी सुनते हैं, करते हैं आप? हाँ डांस भी करते हैं। डांस भी करते हैं। हाँ। तो ये कहीं से सीखे हैं, क्लास किए हैं या फिर घर से ही सीखे हैं? नहीं नहीं घर से ही सीखे हैं। घर से ही सीखे हैं। हाँ। घर से क्या, वीडियो के माध्यम से या नेट के माध्यम से या वैसे ही रिहर्सल करते? नहीं बस देखते थे तो हमको मतलब देख के ही हम डांस करते थे। देख के डांस करते थे। मोबाइल में देखते थे रील्स वगैरह।
तो उसी से डांस उसी से सीखे है, देख देख कर सीखे है, मतलब खुद से रियल से। देखिए बहुत मेहनती है ये, खुद से सब चीज सीखी है और एक अच्छे डांस भी कर लेती है और डांस के साथ साथ एक अच्छे सिंगिंग भी कर लेती है। और हमें हर ऐसे छोटे गरीब मजदूर और छोटे सिंगर है लेकिन इस तरह को सपोर्ट करके हम एक अच्छे सिंगर बना सकते हैं। पब्लिक चाहेगी तो हर किसी को जमीन से उठाकर स्टेज तक पहुंचा सकती है, तो इनका भी सोचे कि हमें एक बड़े बड़े स्टेज मिले, हम भी कहीं ना कहीं जागरण, भक्ति जागरण और कोई प्रोग्राम हो तो हम करें, अगर पब्लिक हमें बुलाती है तब, तो इनका ये सोच है। तो कैसा लगा वीडियो, और ये वीडियो को शेयर इतना कीजिएगा कि हर इंसान देखे और आगे तक बढ़े कि ताकि इन्हें भी वायरल हो, तो ताकि इन्हें कोई स्टेज मिले, कोई सिंगर के साथ डुएट करने का मौका मिले। तो ये वीडियो को देखते रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।